लेकिन ऊपर तो यार बहुत ही गंदा सा जगह दिख रहा है, मतलब पूरा अच्छा नहीं लग रहा है देख के मुझे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और मैं नहा धो के रेडी हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरा आज एक प्लान है मसूरी घूमने का, और मसूरी के आसपास एक लोकेशन है धनौल्टी करके, वहाँ भी जाने का प्लान है, लेकिन वहाँ के लिए श्योर नहीं है। बट मसूरी में काफ़ी खास खास लोकेशन, जैसे एक जॉर्ज एवरेस्ट बहुत ही सीनिक लोकेशन है, वहाँ जाना है अभी सुबह सुबह। और आसपास में बहुत सारा वाटरफॉल वगैरह है और बहुत सारा जगह है जो एक्सप्लोर करना है। मस्त 1-2-3 दिन का प्लान है, आराम से घूमेंगे। पूरा बैग वैग सब पैक हो चुका है और ठंड ऊपर बहुत पड़ने वाली है, तो मज़ा बहुत आएगा। ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट टाइम है जब मैं सोलो इस तरह से ट्रेवल कर रहा हूँ, और मैं कहीं जाकर रुकने वाला हूँ 2-3 दिन तक और मस्त से एक्सप्लोर करने वाला हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड। अगर आप भी हैं दिन बने रही वीडियो में लास्ट तक, निकलते हैं। अकॉर्डिंग टू गूगल तो ये 6 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आराम से घूमते फिरते सनराइज व्यू देखते हुए चाय वाय पीते हुए पहुंचेंगे। ये देखिए गाइस कितना सुंदर दिख रहा है अपना देहरादून यहाँ से, मस्त व्यू है। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना राइड। ये देखिए सामने मसूरी दिख रहा है, एकदम पास आ गए हम लोग मसूरी। भट्टा फॉल, मसूरी, मसूरी फील, कैंपी फॉल, मतलब मैं कंप्लीटली मसूरी ना। यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको देहरादून का व्यू, मैं दिखाता हूँ मसूरी से देहरादून का व्यू। गाड़ी गिर गया यार, गाड़ी को बंद। कोई बात नहीं, कुत्ता भाग रहा है। ये मसूरी आते ही गाड़ी गिर गया अपना। एक्चुअली ना नीचे ये था पूरा बजरी है, कोई बात नहीं। यहाँ पर रुके हैं, थोड़ा चाय वाय पीते हैं, बस थोड़ा ठंड बढ़ गया नीचे से आने के बाद। चाय पी के हो तो गाइस प्लान में थोड़ा चेंज है। यहाँ पे बैठे बैठे मुझे आधा घंटा हो गया, मैं थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पास में एक जॉर्ज एवरेस्ट करके जगह है जो कि काफी सुंदर है। तो मैं पहले वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ का व्यू एंजॉय करते हैं, देन फिर निकलेंगे धनौल्टी की तरफ। चलते हैं और यहाँ से अपना जर्नी होगा 12 किलोमीटर, 34 मिनट दिखा रहे। चलिए, मतलब रास्ता थोड़ा कठिन होने वाला है लेकिन मजा आएगा। गाइस ये लुक देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, और ना उधर से देखिए लाइट आ रहा है हल्का हल्का, उस जगह से हल्का हल्का लाइट निकल रहा है, मतलब वहाँ से सनराइज होने वाला है। और बस जल्दी से पहुँच जाए लोकेशन पर यार, ताकि सनराइज को अच्छा से इंजॉय कर पाएंगे। ये रास्ता ना गाइस थोड़ा अकेला टाइप का है, मतलब इधर कोई है नहीं, मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं मैं सही जा रहा हूँ या नहीं, लेकिन गूगल मैप लेके जा रहा है। ऑल्दो मेरा गूगल मैप के साथ हमेशा ख़राब एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वाह यार कितना सुंदर दिख रहा है, एकदम पूरा रेड रेड, जैसे लगता है कि अब सन निकल ही जाएगा। जल्दी से चलो, क्या ही दिख रहा है यार हमको बार बार। भाई साहब क्या गजब दिख रहा है यार, इस सीन को हम कैसे मिस कर सकते हैं। गाइस कितना सुंदर दिख रहा है यार, लग रहा है जैसे ना कि यहाँ से सन निकलने वाला है बस, और पीछे से लगता है जैसे कि उधर दिन हो गया और इधर रात है। मैं ना खुद को बहुत लकी फील कर रहा हूँ कि ये चीज़ देखने के लिए मिला मुझे। ऐसा दिख रहा है जैसे लगता है कि उधर दिन हो गया और इधर रात ही है अभी। गाइस मैं फिर से रुका हूँ, ये देखिए जगह, नीचे देहरादून दिख रहा है पूरा का पूरा, और ऊपर मसूरी दिख रहा है इस तरफ, और यहाँ से हो रहा है सनराइज। लिटरली कितना सुंदर व्यू है यार, ये पता नहीं ऊपर से कैसा आएगा, लेकिन यहाँ से तो बहुत मज़ा आ रहा है। और लोग भी जा रहे हैं बाइक से, तो हम भी चलते हैं जल्दी से, कंटिन्यू करते हैं राइड, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए, आई डोंट नो आप इसको क्या समझ रहे हैं। गाइस अपने लाइफ में बहुत सारा सनराइज एंजॉय किया हूँ, लेकिन ऐसा वाला व्यू मैं आज तक नहीं देखा अपने लाइफ में, आज तक नहीं।
पहाड़ों में इस तरह का व्यू आता है सनराइज का, मुझे पता ही नहीं था। मैं यहाँ आके कंफ्यूज हो गया कम्प्लीटली, समझ नहीं आ रहा कि अब जाना किधर है। 2.6 किलोमीटर दिखा रहा है यार, 11 मिनट का रास्ता और है। ओके कोई नहीं, चलते हैं। आई थिंक ये रास्ता है शायद से। हाँ भगवान जी का मंदिर है, जय माता दी। अरे गाइस यही रास्ता है यार, यही रास्ता है, लेकिन थोड़ा का थोड़ा ऑफ रोडिंग टाइप से, खड़ी चढ़ाई टाइप से। चलिए मजा आएगा। ये रास्ता मैप में तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, क्योंकि शायद मुझे लगता है ऊपर जाना ही है ना, ऊपर ही तो जाना है, बस ऊपर जा रहा हूँ मैं। लेकिन ऊपर तो यार बहुत ही गंदा सा जगह दिख रहा है, मतलब पूरा अच्छा नहीं लग रहा है देख के मुझे। चलते हैं वापस ही, दिन निकल गया है। लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है देख के मुझे। चलते हैं वापस ही, दिन निकल गया है। लेकिन पूछता हूँ पहले इस जगह के बारे में, एक मंदिर है, मंदिर के पास पूछते हैं। जैसे इतना सुबह सुबह कोई इंसान भी तो नहीं मिलने वाला है ना, इतना सुबह सुबह कौन नहीं मिलेगा मुझे। किधर उस साइड दिखेगा देहरादून, हरिद्वार भी दिखेगा, इस साइड पंजाब हरियाणा पूरा दिखेगा। पंजाब में दिखता है यहाँ से पूरा। तो गाइस यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन अब दिक्कत ये है कि मेरे पास एक बैग है, बैग को टांगना पड़ेगा। यार मैं जाऊँ कैसे, 1.5 किलोमीटर ऊपर जाना होगा, एकदम पूरा खड़ा चढ़ाई है, और मेरे पास ये बैग है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। मैं सोच रहा हूँ ना कि बैग को यहीं पे कहीं छुपा देते हैं। लोगों के सजेशन के मुताबिक बैग को रखना सही नहीं है। चलिए फिर टांग लेते हैं, जय श्री राम। हाँ बैग को टांग लिए, एक पीछे हो गया और एक हो गया आगे। चलिए अब ट्रैकिंग शुरू करते हैं अपना। गाइस चल तो रहे हैं इसमें, ये रास्ता जो है ना ये पूरा इंक्लाइंड है, बहुत ज़्यादा स्टीफ है, और पैदल चलने का आदत नहीं है ना, इसके वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। मैं पूरा रुक रुक के चल रहा हूँ, और ऊपर से मेरे पास भारी सा बैग भी है, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है मेरे लिए। और सनराइज व्यू पॉइंट भी देखना है ना, इसलिए रुक नहीं सकते हैं, जल्दी जल्दी जाना ही होगा। इसलिए आदत खत्म हो गया है ना पूरा, पैदल कभी चलता ही नहीं है, इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, बहुत ज़्यादा। खैर आराम आराम से चलेंगे तो पहुँच ही जाएंगे। यार केदारनाथ का ट्रैक में कैसे करूँगा, एक इतना भी हालत खराब हो गया मेरा तो, अभी आधा किलोमीटर ही हुआ है बस। गाइस मैं 5 मिनट का बस रेस्ट लिया हूँ यहाँ पे, 5 मिनट में बस चलते हैं। फिर चलना स्टार्ट किए, और अब बैग को इस तरीके से लेके जा रहे हैं। एक्चुअली मुझे याद नहीं था कि इसमें व्हील लगा हुआ है। चलिए अब शायद थोड़ा आराम हो रहा है मुझे, पहले के मुकाबले थोड़ा ठीक है इस तरह से ले जाने में। हालत खराब हो गया है गाइस, लिटरली जाने जाते जाते बस बैठ बैठ के कैसे कैसे पहुंच रहे हैं। कितना ऊपर व्यू आ रहा है यार, थोड़ा सा ही है, दो दो बैग किलो के। यार ये मुझे कहीं और जाना था। अच्छा, मैं बस ऐसे बीच में रुक के आ गया इधर। गाइस मुझे ना एक जगह मिला यहाँ पे पास में, मैं सोच रहा हूँ वहाँ बैग को छुपा देते हैं, उसके बाद चलते हैं। बस थोड़ा रिस्क है, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है हमको जाने में। ये भी कम रिस्क नहीं है, कोशिश करते हैं छुपाने का, आई होप मैं छुपा पाऊँ कहीं। इधर ही कहीं छुपा देते। वैसे यहाँ रख दिए बैग को, पता नहीं सेफ है या नहीं, बस नीचे थोड़ा सा ऊपर आकर रखे हैं इधर। अब चलते हैं नीचे, मुझे बस ये याद रखना है लोकेशन की, गेट के पास है ये। हाँ फ्री हो गए कम्प्लीटली, अब जाने में कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से जा सकते हैं। फाइनली समिट दिख गया है उधर, वो देख के समिट पॉइंट है, आपको वहाँ दिख रहा होगा एकदम पूरा पीक पे। अब वहीं पे जाना है, और ये रास्ता है, और यहाँ का कुछ ऐसा लोकेशन है, ये बहुत ही ओपन लोकेशन है बहुत ही, और काफ़ी सुंदर लग रहा है देख के,
एकदम वेल मेंटेन्ड है, वर्थ इट है यार, यहाँ पे आना वर्थ इट है। अब कहीं ना कहीं एनर्जी आ रहा है ये सब चीज़ देखने के बाद, बट मेन चीज़ यही है कि इतना भी और चढ़ना है। ये आपको दिख रहा होगा ना कैमरा में, बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। ये जितना कैमरा में दिखता है उसका 5-10 गुना होता है। चलिए ऊपर चलते हैं, यहाँ पे कुछ लोग कैंपिंग वगैरह कर रहे हैं। और यार नीचे का व्यू दिखाते हैं हम आपको। ओ भाई कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये देखिए। कहीं ना मैं हिमालय इतना ऊपर आ चुका हूँ। देखिए ना उधर वो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना आपको, उधर पूरा वो अपना हिमालय है। देखिए मैं कहाँ पे हूँ, एक अच्छा सा स्पॉट मिला मुझे बैठने के लिए, मैं यहाँ बैठ गया हूँ। और बहुत सुंदर व्यू आ रहा है, बहुत ही सूदिंग लोकेशन है। और जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पे मुझे भाई लोग मिले, बहुत मजा आ रहा है बैठ के आपसे। जन्नत है, जन्नत यार, कम्प्लीटली सच में यार जन्नत है। सच में देखिए ना, ऐसा लोकेशन कहीं मिलता है क्या? लाइक अभी तो दिख रहा है थोड़ा क्लियर, कुछ देर पहले कुछ दिख भी नहीं रहा था, लग रहा था जैसे कि एंड ऑफ अर्थ है, कसम यहाँ के बाद कुछ है ही नहीं। और मैं यहाँ पे आया हूँ यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आप तो देखे कितना दिक्कत हुआ आते आते मुझे, और मुझे टेंशन हो रहा है मेरा बैग का। पता है मैंने अपना बैग को छुपा के आया नीचे में। सही में जंगल में ऐसे ही फेंक दिया हूँ छुपा के, अब जाके खोजिएगा मत। नहीं हम खोजेंगे। नहीं क्या पता कुछ हमारे मतलब का मिल जाए। नहीं नहीं कुछ नहीं है, कपड़ा वपड़ा है बस। सही में यहीं बैठा हुआ था और अब मैं यहाँ से निकल गया हूँ। यहाँ से नीचे देख के चलने में डर लग रहा है काफी। अरे भाई, और पूरा रास्ता देखिए ऐसा ही है, पूरा पतला पतला सा। फिर से बैठ गए हैं, बहुत दिक्कत है यार। सोच रहा हूँ कब खत्म होगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कितना दूर से चलते चलते आ रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है यार। देखिए रास्ता आप कहाँ से आ रहे हैं नीचे से, ये तो कम है जहाँ मैं बैग लेके आ रहा था, वो रास्ता कितना अजीब था। कोई नहीं, थोड़ा सा और बचा हुआ है, लगभग 1 किलोमीटर होगा। तो गाइस ऊपर ऑलमोस्ट आ गए हैं, जब समिट आने वाला है बस कुछ देर में पहुंच जाएंगे ऊपर। देखिए अब सन का कुछ कुछ फर्स्ट रे सेकेंड रे मेरे ऊपर आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ठंड भी लग रहा था लेकिन थोड़ा थोड़ा गर्मी भी लग रहा है, इतना ज़्यादा ट्रैकिंग किए ना इस वजह से। लेकिन एक चीज़ तो हम समझ गए कि आई हैव टू वर्क अलॉट टू हैबिटेट माई सेल्फ फॉर दिस काइंड ऑफ टेरेंस। दिखाता हूँ आपको एक नेक्स्ट लेवल व्यू, जस्ट हैव अ लुक एट इट। बट आई डोंट नो आपको विजिबल है या नहीं। आह क्या जगह है यार, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस जगह पर आके। और उधर सब माउंटेन्स वगैरह वो सब जो है ना, बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है, लग रहा है इधर ही रहना चाहिए। और वहाँ पे कुछ मॉनेस्ट्री वगैरह बना हुआ है, मैं वहाँ से ही आ रहा हूँ। काफ़ी दूर है यार, काफ़ी दूर है। और उस लेवल पे मज़ा भी है यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब तो बस समिट पे पहुँचने वाले हैं तो काफ़ी एक्साइटेड भी हैं। गाइस गेस व्हाट, आई एम एट द समिट और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ आने के बाद। मैं अभी बस आया हूँ और गर्मी इतना लग रहा है मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत गर्मी लग रहा है। एंड द मोमेंट, चेक इट आउट, कितना सुंदर लग रहा है यार देखने में, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। स्टिल जो सन दिखता है ना वो उस पर से दिखता है, एक छोटा सा ये बचा हुआ है एक इधर, और इधर भी लोग चढ़े हुए हैं उस पर। लेकिन मैं समिट पे आ गया हूँ एंड आई विल कंसीडर दिस एज समिट, वहाँ भी जाएंगे लेकिन पहले यहाँ कुछ इधर रुकते हैं, ये सब खोलना होगा। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, इसको खोलते हैं और फिर इन्जॉय करते हैं इस जगह को। हाँ तो गाइस लुक चेंज, चलते हैं ऊपर और ऊपर से आपको दिखाते हैं व्यूज़ वगैरह। हाँ तो गाइस आ गए समिट पे, बहुत मज़ा आ रहा है, टॉप पे एकदम आ गए। अरे यार यहाँ से क्या व्यू है गजब का, देखिए गाइस एकदम समिट पे सबसे ऊपर।
इस स्टॉप पे आने के बाद मुझे बहुत सारे लोग मिले, ये भाई लोग, ये लोग रात में यहाँ पे टेंट लगा कर रुके थे यार, कितना मस्त बात है। मैं भी कभी आऊँगा तो रुकूंगा यहाँ पे। और पता है ये लोग बता रहे हैं मुझे रात का एक्सपीरियंस कैसा था भाई, बताइए कुछ कुछ। भाई मजा आ गया, एक नंबर। गाना बंद कर दीजिए, कॉपीराइट आ गया व्लॉग में। भाई मैंने कती गच एक्सपीरियंस था मेरे भाई, घड़ा कसुत्ता मजा आ गया ना, मजा आया पूरा करडे वाला। फिर देखो सुबह 5 बजे किधर उस साइड दिखेगा देहरादून, उधर देहरादून दिखता है ना, उस तक पीछे हरिद्वार दिखेगा, हरिद्वार हरिद्वार भी दिखेगा, इस साइड पंजाब हरियाणा पूरा दिखेगा, पंजाब भी दिखता है यहां से पूरा दिखेंगे यार। अभी ये स्नो फॉल है ना, ये खत्म हो जाएगी, धूल जो है ये खत्म हो जाएगी उसके बाद। अरे वाह, रात में ना नजारा देखो, लाइटिंग चमकती पूरी यहाँ पे। अरे वाह यार, सारे टिमटिम आते हैं उस साइड में। कैलाश पर्वत है यार, कैलाश पर्वत किधर है? हिमालय, पूरी हिमालय श्रृंखला, जो जो दो पहाड़ों के बीच में वो चोटी नहीं दिखती, वो कैलाश पर्वत, वो वाली जो बड़ी सी दिख रही है वो बीच में, सो ये तो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है सारा, ये कैलाश पर्वत की बाउंड्री सारी ऊपर से। तो गाइस देखिए ऊपर आने के बाद कितना ज्यादा सूदिंग लोकेशन है, सबसे टॉप पे है, इसके आसपास कुछ भी नहीं है, थोड़ा धूप हो गया है लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब आप बिलीव कीजिए बहुत ज़्यादा अच्छा लोकेशन है। गाइस चूंकि मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है इस जगह का, तो यहाँ पे मुझे कुछ लोग बताएं ना, धनौल्टी जाना अभी कुछ भी नहीं है, फालतू है, वहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो मेरा प्लान है ना कि मैं मसूरी में ही आज दिन भर पूरा घूमूंगा, कहाँ कहाँ घूमेंगे मुझे पता नहीं, एक कैंटी फॉल है वहाँ पे जाना है आज, बाकी यहाँ पे पहले कुछ देर बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, दिन फिर निकलेंगे यहाँ से। बस 10 मिनट का रास्ता है, उसके बाद अपना बैग देखेंगे है कि नहीं है। तो गाइस मैं ना अभी इस पे से उतरा हूँ, अभी इधर वाले पे जा रहा था, तो मुझे यहाँ भाई लोग मिले हैं, ये लोग देखिए, ये लोग भी यहाँ पे मस्त कैंपिंग किए हैं, पूरा पूरा एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। नमस्ते, और आप अच्छे लग रहे हो यार, क्या बात है, चाय पीनी है? नहीं, चाय नहीं है। आप क्या करते हो? हमारी दुकान है भाई। किस चीज की? चड्डी की। चड्डी की दुकान? हाँ जी, चड्डी में दुकान है, चड्डी कैसे बेचते हैं पूछिए इनसे। चड्डी कैसे बेचते हैं, मैं क्यों पूछूं इनसे। चड्डी बेचते हैं ऐसे, चड्डे एक से बढ़कर इज्जतदार खुशबूदार चड्डी, रात के पार्टीज के लिए डिस्को वाले, रेडम वाले, नाड़े वाले, बिना नाड़े वाले, बच्चों के लिए स्पेशल छोटे भी मोटे डोरेमोन छाप चड्डी, बड़ों के लिए टाइगर प्रिंट चड्डी, फुल गारंटी वाली चड्डी, चाचा बिहारी चाचा चाहे जितना खेलो कबड्डी टूट जाएगी हड्डी पर नहीं फटेगी, चड्डे एक से बढ़कर एक। अरे वाह भाई, वाह भाई, मजा आ गया लिटरली यार, ये लिटरली ये भाई एकदम कम्प्लीटली छुपा रुस्तम निकले हैं। इनको बहुत सारा मिमिक्री आता है, पहले इनसे हम पूछते हैं कुछ अच्छा अच्छा मिमिक्री, कुछ कुछ आर्टिस्ट जो बहुत ज्यादा फेमस है। आप किनकी किनकी करते हैं आप बताओ पहले। जब कभी दोस्तों में बैठते हैं तो हंसाने के लिए। अच्छा अच्छा, आप अमिताभ बच्चन का, मतलब उनका बस ठीक है, वो देवी और सजनों जो बोलते हैं, देवी और सजनों कैसे आज हम ये यहाँ पहाड़ों पे आए हैं, बहुत सारे लोग मिले हैं और बाकी मोदी जी की कर। हाँ, मोदी जी की सबसे फेवरेट है, मोदी जी का अलग ही रुतबा है। भारत माता के जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बाना बिहार के जो लल्ला है, ये लल्ला बहुत ही हिम्मत वाला है लड़का, यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है लेकिन अपना पैशन फॉलो कर रहा है, पहाड़ों में घूम रहा है। ऐसा है राज बाबू, हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं जो हमारी ज़िंदगी में काम आई, हो सकता है आपको भी आपकी ज़िंदगी में काम आए। तो ऐसा है राज बाबू कि नौकरी पैसा एक तरफ, आपके दूसरे चीज़ें एक तरफ, जिम्मेदारियां एक तरफ, लेकिन अपनी मौज मस्ती कभी मत छोड़ो। जी बिल्कुल, है कि नहीं? जी बिल्कुल। तो ऐसा है कि हमेशा हंसते खिलते रहो, बिल्कुल चश्मे को बिल्कुल ऐसे डाल दीजिए और बहुत प्यार से सबसे बात कीजिए, सब लोगों के बारे में जानिए, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा जी मुझे। अब आपके भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। वेरी गुड, थैंक यू भाई। गाइस कहते हैं ना, लाइफ इज जस्ट लाइक अ रिवर, देयर आर सो मेनी टर्न्स, एंजॉय एवरी टर्न्स, दिस टर्न्स नेवर बी रिटर्न। इसका मतलब ये हुआ ना,
कि मेरे लाइफ में प्रोस एंड कॉन्स आते रहते हैं, कभी ऊंचा कभी नीचा, हर चीज होते रहता है। तो बस कभी नीचे थे तो आज ऊपर हैं, कभी ख़राब था तो आज अच्छा है। अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो आप भी इस चीज़ से पॉजिटिवली डील कीजिए और अच्छे से इन्जॉय कीजिए लाइफ को, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम से बढ़ के एक चीज़ है, वो है आपका सेल्फ स्टीम, आपका खुद का खुशी। खैर चलते हैं नीचे, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। यार बहुत ज़्यादा उतरे और अभी ये बचा हुआ है बहुत सारा, नीचे देख सकते हैं बहुत सारा सीढ़ी बचा हुआ है अभी, मतलब जो ऑफ रोडिंग वाला पैच था ना वो पूरा कंप्लीट हो गया, अभी बस सीढ़ी वाला बचा हुआ है। चलते हैं, मज़ा बहुत आ रहा है। लेकिन तो गाइस वो वाला पैच खत्म हो गया पूरा, और बाकी मुझे देखिए यहाँ पे कि भाई साहब मिले, ये ट्रैकिंग करने जा रहे हैं अभी, पता नहीं कब जाएंगे। जब मैं जा रहा था तब भी यहीं पर थे, अभी भी यहीं पर हैं डंडा लेके। गाइज ये एयर सफारी बुकिंग है, मतलब यहाँ पे हॉट एयर बलून और फिर ये जायरोकॉप्टर और ये हेलीकॉप्टर, ये सुविधा है, बट मुझे नहीं चाहिए ऐसा कुछ। और अब टाइम आ गया चेक करने का अपना बैग, बस 10 मिनट का रास्ता है, उसके बाद अपना बैग देखेंगे है कि नहीं है, 10 मिनट और चलना होगा बस। बाकी वो जो टॉप है ना, वो जो टॉप आपको दिख रहा है ना, वहाँ पे ही अभी हम थे, वहीं से वापस आ रहे हैं। एक बार लास्ट टाइम उसको देख के बाय बाय कर देते हैं और चलते हैं। और यहाँ पे भी मुझे नेक्स्ट टाइम आना है, पता है क्यों? क्योंकि ना मुझे यहाँ से सनराइज़ देखना ही देखना है। आज तो लेट हो गया क्योंकि आज एक्सपीरियंस मिला बहुत ज़्यादा मुझे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आके सनराइज़ ज़रूर देखेंगे और वहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं। गाइस आ चुके हैं इस लोकेशन पे हम, अब मुझे जाके बैग चेक करना है, बैग है कि नहीं है, चलिए देखते हैं। एक्चुअली मैं इधर छुपाया था बैग को, चलिए देखते हैं ऊपर चल के, बस भगवान जी मेरा बैग रह जाए वहाँ पे, मज़ा आ जाएगा। अरे इधर से जाके ऊपर चढ़ के, अरे यार बहुत ऊपर में छुपाए थे ताकि कोई ले नहीं, अब पता नहीं क्या है कि नहीं। अरे भाई है अपना बैग, अपना बैग है और अपना हेलमेट भी है, थैंक्स गॉड मिल गया अपना बैग, मुझे लगा नहीं होगा लेकिन मिल गया, चलिए लेते हैं और चलते हैं। अरे यार कितना खुशी हो रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो आजा भाई, आजा आजा चलो। ओह ले लिए हैं, अब चलते हैं नीचे। पता है यार मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे इस तरह से लावारिस अपना बैग को छोड़ देना और फिर वापस ले जाना बहुत अच्छी बात है, बड़ी बहुत बड़ी बात है कि मिल गई। चलिए अब नीचे चलते हैं। चलो भाई बैग मिल गया, बैग तो मिल गया है और हेलमेट वगैरह पर थोड़ा बहुत दागी वागी आ गया है वो मिट्टी का, और देखिए कितना ठंड है यहाँ पे, आई होप आप समझ पा। तो वो दिख रहा है ना वहाँ पे, वहाँ जाके पहले बैठते हैं कुछ देर और उसके बाद चलेंगे। चलिए आहा मस्त, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो भाई रखा जाओ यहाँ पे, ठीक है। हाँ यहाँ बैठ के मुझे लगभग 20-25 मिनट हो गया है और मुझे लग गया है भूख, तो मैं घर से कुछ खाना लाया था, पहले मैं उसको खाता हूँ और फिर मैं यहाँ से जाऊँगा। तो गाइस खाना खा के हो गया, अब चलते हैं नीचे और एक जगह के बारे में मालूम चला है, उसका नाम है कैंप्टी फॉल। बोलते हैं कि मसूरी में या तो जॉर्ज एवरेस्ट नहीं तो फिर कैंप्टी फॉल, तो जॉर्ज एवरेस्ट तो अपना हो गया, अब चलते हैं कैंप्टी फॉल की तरफ और देखते हैं वो लोकेशन कितना खास है, कितना अच्छा है। चलिए जाने में तो कोई दिक्कत होता नहीं है, और देखिए ना मैं क्या जुगाड़ लगाया हूँ। एक्चुअली जो इसका ये जो रिबन है ना वो छोटा है, तो हेलमेट को लगा लिया हूँ और मस्त अपना हेलमेट को खींच रहा हूँ, वो भी चल रहा है। हाँ तो गाइस फाइनली नीचे उतर गए बाइक के पास, फिर सामान वगैरह सब पैक करते हैं, धूप बहुत ज़्यादा हो गया है, पैकिंग करते हैं उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस सारा पैकिंग हो गया और अब निकलते हैं यहाँ से कैंप्टी फॉल की तरफ। जय माता दी।
एम्प्टी फॉलना शहर से काफ़ी दूर है, इस वजह से बहुत टाइम लगा जाने में। ये विशाल सा जो माउंटेन दिख रहा है ना, गजब व्यू आ रहा है। एक शॉर्ट ब्रेक लिए हैं कुछ देर का, कैम्प्टी फॉल अभी बहुत नीचे जाना है और तो कुछ देर रुकते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, कैम्प्टी फॉल 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दिखा रहे हैं। हाँ आ गए भाई, फाइनली आ पाए हैं। अब मेरा एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी बढ़ते जा रहा है क्योंकि अब मज़ा बहुत ज़्यादा। अरे यार क्या व्यू दिख रहा है भाई, एक ओ भाई लिटरली यहाँ से मुझे कैम्प्टी दिख रहा है। ओ भाई कैन यू सी दिस, कैन यू बिलीव दिस, अरे यार कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ से कैम्प्टी व्यू। चलिए पास से देखते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। और ये देखिए पहाड़ का पूरा पैनोरमिक व्यू कितना सुंदर दिख रहा है। एक्चुअली है ना कि कोई कैफ़े का व्यू पॉइंट है, सो यहाँ से तो मैं नहीं देख सकता हूँ। हाँ अब मज़ा आने वाला है यार। अभी तक ना मैं काइंड ऑफ मेरा एक्साइटमेंट लो हो चुका था पूरा, क्योंकि इतना दूर से चल रहे हैं मज़ा ही नहीं आ रहा है, अब आएगा असली मज़ा। पता है हुआ क्या है मेरे साथ, एक तरफ कम्प्लीटली ऊपर का माहौल, पूरा ऊपर सबसे जॉर्ज एवरेस्ट, और अभी सबसे नीचे कैम्प्टी फॉल, मतलब कह सकते हैं कि मसूरी का सबसे टॉप लोकेशन और उसके बाद सबसे। अरे अचानक से मौसम में बदलाव। तो गाइस चलते हैं ऊपर, अब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ये इस तरह का सीढ़ी बना हुआ है पूरा। तो गाइस फाइनली मैं ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पे देखिए व्यू कुछ ऐसा है इधर, और ये पानी नीचे जाके इधर ऐसा हो रहा है। लेकिन ये जो है ना ये मेन फॉल नहीं है, मेन जो है ना इसका फॉल वो नीचे जाके और नीचे है। एक्चुअली मैं ऊपर का फॉल में आया हूँ, यहाँ पर नीचे जाने के बाद जो मेन फॉल है वो आता है। चलते हैं नीचे, हम नीचे से दिखाते हैं आपको कितना सुंदर दिखता है। तो गाइस नीचे उतर गए हैं, वहाँ से नीचे उतर गए हम पूरा। तो नीचे का मतलब आपको पता है बहुत ज़्यादा नीचे जाना है, मुझे जाना है कुछ वहाँ, वो जो दिख रहा है ना नीचे पॉइंट, वहाँ जाना है। और आपको मैं दिखाता हूँ फॉल, देखिए असली फॉल, ये है असली फॉल। और यही फॉल ना नीचे जाने के बाद वहाँ पे लाइक बहुत ही ब्रॉड वे में मतलब फैला हुआ है, और उसका हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जो कि देखने में काफ़ी सीनिक लगता है। चलते हैं उस लोकेशन पर, वहाँ से देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। जी देखिए कितना सनिक लोकेशन है, और यहाँ पर लगता है ना लैंडस्लाइड होते रहता है लगातार, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से पूरा रास्ता ख़राब है, और प्लस में देखिए पूरा मलबा वगैरह गिरते रहता है। अरे ये देखिए गाइस एक और वाटरफॉल मिला मुझे छोटा सा, चलिए यहाँ से पानी भरते हैं। अच्छा वाटरफॉल है ये भी। भींग गए भाई, वाटरफॉल पूरा पहाड़ का पानी मस्त लगता है पीने में। रास्ता कहाँ से भाई मेन फॉल के पास जाने का, रास्ता कहाँ से? ये दो दुकान छोड़ के नीचे पैदल जाना पड़ेगा, बाइक पार्क यहीं पर। कितना नीचे जाना पड़ता है? 250 सीढ़ी। 250 सीढ़ी है? अरे यार सीढ़ी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा यार, कल से मैं ट्रैकिंग करके परेशान हो चुका हूँ। अबे यार चले कोई नहीं, यहाँ पैदल मार्ग का कोई रास्ता है जहाँ से नीचे आना है। चलिए जितना मजा आ रहा है उतरने में उससे दुगना मजा आएगा चढ़ने में। ऑलमोस्ट नीचे आ गए हैं,
और मार्केट बहुत सारा बीच में बना हुआ था। तो गाइस आ गए नीचे और बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हवा कितना तेज चल रहा है, आप देखिए हवा यहाँ कितना तेज चल रहा है। हवा ही नहीं, मैं पूरा भींग चुका हूँ। ये पानी जो है ना, ये पानी का प्रेशर इतना तेज है कि वो नीचे आने के बाद ऊपर फैल रहा है हवा में, और हवा साथ में बहुत ज़्यादा तेज कर दे रहा है। अब चलते हैं ऊपर, ऊपर चलते हैं, बहुत ज़्यादा रह गए यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रुके यहाँ पे। तो गाइस अब ऊपर जा रहे हैं, लेकिन अभी 10-20 सीढ़ी चढ़े हैं, हालत ख़राब हो गया। जैसा सोचे थे वही हुआ, अभी ऐसे ऐसे कितना ऊपर है, बस थोड़ा सा और फिर पहुंच जाएंगे। तो गाइस आ गए हैं, तो सब कुछ पैक हो चुका है, अब निकलते हैं यहाँ से। और बस अब इतना ही प्लान है कि जल्दी से यहाँ से निकलना है, और जाने के बाद अंधेरा होने से पहले कहीं स्टे के लिए रूम खोजना है, क्योंकि मैं कल भी यहाँ रुकने वाला हूँ और भी जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तो बस फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं। जय माता दी। इधर ना गाइस रूम वगैरह जनरली मॉल रोड में मिलता है, तो मैं चलता हूँ मॉल रोड में देखने के लिए, जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, 35 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। हाँ हाँ ठीक है, लगाते हैं, चलिए देखते हैं। तो गाइस फाइनली मैं स्टे कर गया हूँ और मुझे होटल रूम मिल गया, और ये जगह है कुछ, और ये लोकेशन देखिए कुछ कैसा दिख रहे हैं। और ना गाइस एक अच्छा सा बात बताता हूँ मैं आपको, ये रास्ता आप देख रहे हैं ना, और ये लोकेशन देख रहे हैं ना, मैं यहाँ पे एक फ़ोटो आपको दिखा दूंगा कहीं साइड में, यहाँ पे वो देखिएगा, मतलब एक महीना के बाद इस लोकेशन पे कैसा व्यू रहता है वो आप देखिए। और फिलहाल चलते हैं, अब मैं आपको रूम टूर देता हूँ। इधर अपनी बाइक लगी हुई है और नीचे वो भाई छत से नहीं आया ना, छत के पास से नीचे आना पड़ता है। यस, तो गाइस ये अपना रूम, ये है अपना बाथरूम। तो इधर मैं अपना गैजेट वगैरह रख रहा हूँ, और इधर मेरा हेलमेट रखा हुआ, इधर मेरा बैग, और ये महान बैग, ये तो लिटरली आज हालत ख़राब कर दिया है सच में। और यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट दिखाता हूँ, ये देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है ना, अच्छा। चलिए तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन हिट द लाइक बटन, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ के मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए, नाइट लाइफ इन मसूरी काइंड ऑफ ऐसा ही कुछ होगा मेरा टाइटल, एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए स्टे फिट स्टे हेल्दी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पे मस्त अपना पॉपट हो गया, ये इतना सा भुट। चलो गाइस ये सही चीज मिल गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस मैं हूँ अभी मसूरी में, और मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ मसूरी को, लास्ट 2-3 वीडियो में डाला हूँ, बहुत ही अच्छा वीडियो, आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो, अगर आप नए हैं तो। अभी गाइस बज रहे हैं यहाँ के 7 बजे शाम, और मैं जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने नाइट लाइफ, मतलब मसूरी का नाइट लाइफ कैसा होता है ये एक्सप्लोर करना है। तो बस चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, आपको क्या लगता है मैं इतना मोटा होऊंगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, मैं इतना मोटा बिल्कुल भी नहीं हूँ यार। पता है मैंने जितना कपड़ा था मैं सब डाल लिया हूँ, क्योंकि पता है टेम्परेचर कितना कम है, बहुत कम है। मैं आपको दिखाता हूँ टेम्परेचर का, कुछ अंदाज़ा लग जाएगा शायद आप। ये देखिए ये मेरा गेट है, ये देखिए टेम्परेचर अंदर में पूरा नॉर्मल है, अंदर में हीटर लगा हुआ है, फिर भी देखिए बाहर का टेम्परेचर कितना ज़्यादा लो दिख रहा है यहाँ। तो बस बेसिकली इतना ही बोलना था, टेम्परेचर बहुत लो है, और आप बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, चलते हैं आपको दिखाते हैं, बहुत मस्त मस्त चीज़ एक्सप्लोर करने वाले हैं हम। लाइक मुझे आइडिया मिला है कि हाँ बहुत अच्छा होता है नाइट लाइफ, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। ये है कुछ मेरा फाइनल लुक, कम्प्लीटली निकल चुके हैं, अब चलते हैं, आई होप कुछ अच्छा चीज़ दिखा पाए आपको। मतलब मैं जहाँ रहता हूँ वहीं पे मार्केट है सारा। सबसे फर्स्ट चीज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ वो है यहाँ का ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो गाइस सबसे बेस्ट पार्ट
और सबसे वर्स्ट पार्ट कि माल रोड में बाइक लेके नहीं घूम सकते, मतलब अब क्या ही बोला जाए। तो चलिए कुछ कुछ सामान है रख देते हैं पहले अंदर, उसके बाद चलते हैं, पैदल ही चलेंगे अब। तो चलिए गाइस आ गए बाहर, और अब बिना बाइक का पैदल अपना ये नॉर्मल सा लुक रहेगा। यहाँ पे कुछ दिखाने के लिए है नहीं, मार्केट जाके दिखाते हैं आप। तो गाइस आ चुके हैं मॉल रोड में, और अभी जो रोड कम्प्लीटली नॉर्मल दिख रहा था ना, अभी देखिए कैसा दिख रहा है। ये पूरा इसमें धुंध आ गया है बहुत ज़्यादा, ये मतलब ये बादल होता है, बादल का पार्ट्स होता है, और ये कम्प्लीटली देखिए पूरा धुंध में आ गया है। और यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रीट है, बहुत सारा स्ट्रीट मार्केट है, बहुत सारा स्ट्रीट शॉप है। तो चलिए कुछ देखते हैं स्ट्रीट शॉप में, कुछ अच्छा रहेगा तो लिया जाएगा, और कुछ खाने पीने का भी कुछ नया चीज़ ट्राई करेंगे। तो गाइस मेरे पास ना एक यहाँ पे उलेन शॉप है, मतलब उलेन का जो भी होता है ना क्लोथ्स वगैरह मिलता है। चलिए पूछ कर देखते हैं यहाँ पे कितना महंगा और कितना सस्ता मिलता है। ये सब थर्मल वगैरह कितना का है सर? इसमें जो ब्लैक वाला करीब 2200 का है, जो येलो वाला है करीब 3300। प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा हाई लगा मुझे, मुझे पता नहीं है लेकिन हमको लगता है ना शायद ये बार्गेनिंग वाला मार्केट है। ये क्या बन रहा है भाई? यहाँ पे कुछ ना स्ट्रीट फूड दिख रहा है, तो देखते हैं क्या क्या है इधर अवेलेबल। वाइल्ड भुट्टा है और उधर वो वाला है रस्टेड वाला ना, ज़्यादा टेस्टी कौन सा होगा? दोनों बढ़िया होगा, मीठा वाला। ठंड हो रही है ना तो मस्त अपना हाथ इधर इस तरह से कर सकते हैं, और ठंड में लाइक भैया आपके लिए तो बहुत अच्छा होता होगा ना, यहाँ पे ठंड में तो काफ़ी अच्छा है ना। यहाँ पे मस्त अपना पॉपट हो गया, ये इतना सा भुट्टा 50 रुपया में, मतलब अपने इधर 5 में मिलता है, 5-10 में। चलो कोई बात नहीं, ये फर्स्ट पॉपट है, और अच्छा हुआ कि मतलब 85 रुपया का वाने, तो पता नहीं बहुत ज़्यादा होने वाला था। चलिए अब इसको आराम से खाएंगे, 50 का तब इसको अच्छे से खाएंगे 50 की तरह से। गाइस महंगा मार्केट से आ गए हैं सस्ता मार्केट की तरफ, और यहाँ पे आई थिंक कंपैरेटिवली यहाँ पे दाम सस्ता होगा, और यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है। ये क्या है भैया? ये डेकोरेशन के लिए किचन वगैरह के तो मसूरी। अच्छा अच्छा डेकोरेशन का ये सब? हाँ, ये अपना। अच्छा अच्छा मसूरी का मेमोरी ना। चादर कितने की है सब? स्टॉल है। अच्छा स्टॉल है, ये सब चादर नहीं है? चादर ही है। कितने की है? 400 का, ये 350। ये काइंड ऑफ नेम प्लेट है ना भाई? यस। कितने की बनाते हैं ये? ये वुडन होती है 150-250 की। अच्छा वो डिपेंड करता है वुड पे ना? यस, ब्रास के लेटर होते हैं। लेकिन अपना अभी उतना खास कुछ प्रोफेशन है नहीं जो मैं अपना नेम प्लेट बनाऊंगा, बस देखने में अच्छा लगा मुझे इसलिए मैं देखा। अभी ऐसा है ना कि मार्केट धीरे धीरे बंद भी हो रहा है कहीं कहीं, तो घूम ही रहे हैं, देख ही रहे हैं सामान को। और यहाँ देखिए क्या दिखा मुझे, लाइक हर शहर का वो चीज, आई लव मसूरी। ये सब बैग कितना का है भैया? कौन सा भैया? ये सब 350। यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र? नो नो, आई एम फ्रॉम बिहार। यस। व्हिच प्लेस? पटना। यस। पाटलिपुत्र? यस, पाटलिपुत्र नियर पटना। नाइस मीटिंग यू, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज राज। व्हाट्स योर नेम? आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग द सिटी, ट्राइंग टू फिगर आउट लाइक व्हाट आई नीड टू टेक फ्रॉम मार्केट। Well, at this time, well, a lot of people buy for like caps, okay, gloves, yes, and some people buy for fun, like this one. Okay, okay. Animal cap. Then how your English is too good? Watching you guys, man. Really? Welcome to my channel, man. Oh, nice. Well, that's a good kind of stuff. How you present yourself out there? A lot of YouTubers I love. Yeah. Yeah. Jubin Nautiyal ka hotel bhi hai. Jubin Nautiyal ka. ये सामने ये होटल किसका है? जुबिन नौटियाल। वो आदमी इस होटल के बारे में बोल रहा था कि ये होटल जुबिन नौटियाल का है। वही तो है। गाइस ये मॉल रोड बहुत ही लंबा है, लगभग 3-4 किलोमीटर का, पता नहीं 3 किलोमीटर का है शायद, तो उतना दूर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अब वापस लौट रहा हूँ, और अब कुछ खाने पीने का जुगाड़ करते हैं, और अगर कुछ खरीदना वगैरह होगा तो अब खरीदा जाएगा। चलिए देखते हैं क्या खरीद पाते हैं और क्या खा पाते हैं, कुछ सस्ता खाना और कुछ अच्छा खाना, ऑफ कोर्स हेल्दी वाला। वेज चाउमीन, एग चाउमीन, ये सब है ना? हाँ। सबसे बेस्ट कौन सा रहता है, ज़्यादा कौन सा सेल होता है आपका? चाउमीन में? नहीं नहीं नहीं, सब कुछ में। चाउमीन है और मोमोज़ है। मोमोज़ है, ठीक है तो फुल मोमोज़ कर दीजिए। वेज? हाँ। अच्छा है। चलो गाइस ये सही चीज़ मिल गया है, ये अच्छा भी है, और ठंड देखिए कितना है, ठंड बहुत ज़्यादा हो गया है, और ये गर्म चीज़ खाने में बहुत मज़ा आता है। चलिए मोमोज़ खा के हो गया, अब चलते हैं। मोमोज़ खा के राहत मिला, नहीं तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा था। यूनिक सा चीज़ मुझे देखने के लिए मिला यहाँ पे, मतलब अभी तक तो जो दिखा सब नॉर्मल ही था, लेकिन यूनिक चीज़ ये है ना कि यहाँ पे बनता है रास्ता में सैलेड,
सब्जी का और फ्रूट्स का। बहुत टेस्टी लगता है खाने में। हाँ खाने में बहुत बढ़िया है। बना दो एक प्लेट। ज्यादा बढ़िया क्या रहता है? फ्रूट चाट। कितना का बनाते हैं? 60 रुपए का। 50 का बनाइएगा। 50 का बनाना है? हाँ लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अरे ज्यादा लो भाऊ जी। अच्छा ठीक है बनाइए। भर के लो प्लेट। चलिए इनसे बोले कम नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कितना देते हैं। सब रिकॉर्ड हो रहा है आपका। रिकॉर्ड पूरा है। फेमस हो गया हम। ये देखो सैलेड बन गया है। ये काफी हेल्दी चीज मिला है मुझे। ये मुझे और कहीं नहीं मिला है। लाइक फ्रूट चाट ही है बट यहाँ वेजिटेबल का भी है तो काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है। चलिए खा के देखते हैं कितना टेस्टी है। आगे देख। मसाला क्या है इसमें? ये सब चीज मिला हुआ है इसमें। अमचूर है, गरम मसाला है, जीरा पाउडर है, काली मिर्च है, सब चीज है। अच्छा काफी अच्छा है। टेस्टी है। चलो सच में यार टेस्टी तो है खाने में। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि आज रात में मुझे अब खाना नहीं पड़ेगा। ये खा के काफी हो जाएगा सोने के लिए। गाइस मैं अभी जहाँ पे हूँ ना इस पे यहाँ पे लिखा है मसूरी लाइब्रेरी एस्टेब्लिश्ड इन 1843। ये चीज ये लाइब्रेरी है यहाँ का 1843 में बना था। लेकिन मुझे इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है लाइब्रेरी है कहाँ से। क्योंकि देखिए ना पूरा दुकान नीचे में लगा हुआ है, ऊपर बंद है तो कोई आइडिया नहीं है। सब कुछ लेके हो गया, सब कुछ घूम के हो गया। अच्छा मार्केट था, जैसे नॉर्मल होता है हम लोग का वैसा ही मार्केट था। लेकिन मज़ा आया घूम के। और एक चीज़ और हुआ वो ये कि मेरा पूरा पैर थक चुका है, पूरा शरीर थक चुका है। सुबह से लेके शाम तक ये घूमना काइंड ऑफ हरासमेंट हो जाता है। पूरा पैर वाइब्रेट कर रहा है। मैं तो बस जाऊँगा और सीधा गिर जाना है बेड पर। कुछ देर रेस्ट करके फिर वीडियो एडिट करते हैं और फिर सोते हैं। और फिर कल का भी बहुत मस्त प्लान है, वो आपको कल के वीडियो में पता चल जाएगा। तो गाइस आ गए हैं रूम। यार कितना ज़्यादा घूमे मैं बता नहीं सकता। लिटरली कल से घूम ही रहे हैं। और अभी पता है एडिटिंग करना है, सबसे पहाड़ का काम। लेकिन कोई बात नहीं, उसको भी करेंगे। और फिर कल मेरा ऑफिस भी है वो, जो कि मैं यहीं से करने वाला हूँ। चलिए एडिटिंग के टाइम पे मिलते हैं, फिलहाल मैं कुछ देर रेस्ट करता हूँ। और सच में यार यहाँ से मुझे ना वो सब दिख रहा है, माउंटेन्स और हिमालय वगैरह। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:22। ये मेरा मसूरी में दूसरा दिन है। लाल टिब्बा यहाँ का बेस्ट लोकेशन है, वो यहाँ पे वन ऑफ द टॉप पॉइंट है। और पता है वहाँ का खास बात ये है ना कि वहाँ से केदारनाथ बद्रीनाथ जैसा हिमालय दिखता है। तो गाइस मैं अभी कहीं नहीं जाने वाला था, मेरा 6 बजे से ऑफिस स्टार्ट है। लेकिन ऑफिस का काम मैं उधर से ही करूंगा, लैपटॉप वगैरह सब चार्ज है। तो फिलहाल मैं चलता हूँ लाल टिब्बा की तरफ और आपको दिखाते हैं, और मैं काफी एक्साइटेड हूँ। तो गाइस पहले मैं रेडी होता हूँ, उसके बाद निकलते हैं। ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ पे। मैं रेडी हो गया हूँ निकलने के लिए, अब चलते हैं। और मैं एक बात बताना भूल गया, वहां से गंगोत्री या यमुनोत्री का जो पर्वत है ना वो भी दिखता है। अब मैं तो कम्प्लीटली क्यूरियस हो चुका हूँ, चलिए देखते हैं। तो गाइस निकल गए हैं, द जर्नी इज ऑन टू द लाल टिब्बा। चलिए जय माता दी। और देखिए थोड़ा थोड़ा सुबह होने जा रहा है उधर। आई होप कि मैं पहुंच जाऊं सुबह होने से पहले। देखिए यहां से व्यू सुबह होने का, वाव यार मस्त दिख रहा है। लाल टिब्बा का रास्ता यही है क्या? इधर से है ना ऊपर का रास्ता है लाल टिब्बा का? ये है हमारे पीछे आ जाओ। ओके ओके ओके। अरे लाल टिब्बा क्या होता है ना गाइस कि इधर रास्ता का बहुत दिक्कत है। दो दो रास्ता रहता है सिमिलर टाइप का बना हुआ। ओ लगता है ना जैसे कि कौन सा सही है समझ नहीं आता। इतने भाई लोग मिल गए। आप लोग भी वहीं जा रहे हो क्या? नहीं हम तो इसको तक जा रहे हैं, मगर रोड यही जा रही है। आगे से भी नीचे को मत जाना, ऊपर को चढ़ना। ठीक है आगे रोड आएगी ना। थैंक यू भाई। चलो भाई अच्छे लोग मिल गए, अच्छा से बता दिया, नहीं तो फिर से मैं कंफ्यूज होता और मैं पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता। और मॉर्निंग देखिए खतरनाक वाला मॉर्निंग होता है। पता है देख के लगता है ना भाई, लगता है कि एक सन का ऑरा है, सन का एक अपना वाइब है और उसी को देखने हम लोग। अरे वाह यार क्या मस्त लोकेशन है भाई। अरे बाप रे, अरे अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं भी सजदे में झुका कर सर दुआ में मांगता हूँ तुम्हें, न होगी आखिरी दम तक। लाल टिब्बा थैंक यू। तो गाइस अभी एकदम शहर से घुस के एकदम पूरा मार्केट में जाना पड़ रहा है। ये रोड बहुत ही अजीब है यार, लेकिन चल रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। पूरा खाली है ना, दो रास्ता
अब किससे पूछें? एक अंकल जी, अंकल लाल टिब्बा का रास्ता किधर है? ओके थैंक यू। यहाँ के लोग बड़ा कोऑपरेटिव हैं यार, मज़ा आता है पूछने उससे में कुछ चीज़। भाई मैं तो पूरा एक्साइटेड हूँ सच में, केदारनाथ दिखता है क्या यहाँ से? दादी लाल टिब्बा किधर होगा? सीधे जाओ, इधर घूम जाओ। थैंक यू दादी, थैंक यू। आई थिंक मैं पहुँच चुका हूँ लाल टिब्बा लोकेशन पे। हैं, ये कैफे है? अरे यार लाल टिब्बा कैफे है ऐसे ही क्या यार? लाल टिब्बा गवर्नमेंट अप्रूव्ड हेरिटेज बाइनोकुलर सिंस 1942, जापानीज बाइनोकुलर, हाईएस्ट रेंज बाइनोकुलर। चलो देखते हैं कैसा है। अरे इंसान तो कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है यार। हैं, बैटू बाइनोकुलर। चलो बाइनोकुलर के पास चलते, लाइट तो बंद है, ताला लॉक है यहाँ पे। अरे यार अब क्या करें, बाकी हिल्स तो बहुत सारा दिख रहा है लेकिन क्या फ़ायदा जब मैं अंदर ही नहीं जा पाऊँ तो। कोई नहीं, तो अदर वेट करते हैं, किसी से पूछते हैं, कोई इंसान मिले तब ना। मैं जल्दी जल्दी आया यार ताकि सीनिक पॉइंट देख सकूँ, सनराइज़ व्यू पॉइंट। गाइस ये लोकेशन तो काफ़ी सीनिक लग रहा है लेकिन अपना पोपट हो गया, पूरा बंद है ये लाल टिब्बा। और मुझे लगा था लाल टिब्बा कोई बहुत ऊँचा पहाड़ होगा वो जॉर्ज एवरेस्ट जैसा, लेकिन ये तो एक कैफ़े है। लोकेशन तो काफ़ी सीनिक है और ऑफ कोर्स देख के लग भी रहा है कि ऊंचा लोकेशन है। सो देखिए कब खुलता है यार, सनराइज़ तो होने वाला है, कुछ देर वेट करते हैं, खुलता है तो फिर जाएंगे ऊपर, क्योंकि मुझे बताया गया ना व्यू काफ़ी अच्छा आता है और जितना भी है ना यहाँ पे। और सच में यार यहाँ से मुझे ना वो सब दिख रहा है, माउंटेन्स और हिमालय वगैरह सब दिख रहा है यार। वो दिख रहा है ना छत, वो छोटा सा, वही है लाल टिब्बा कैफ़े और उस पर लगा हुआ है बाइनोकुलर, वो बीच में जो वहाँ पे एक छोटा सा सैड बना हुआ है। और ये व्यू है, एक्चुअली ना मैं बाजू वाला कैफ़े के छत पे आ गया लेकिन यहाँ से देखिए व्यू आ ही नहीं रहा है ये इसके वजह से, ये पेड़ के वजह से। कोई बात नहीं, कुछ देर वेट करते हैं, अगर ये खुलता है तो फिर जाएंगे इसी में, बाकी ठंड है। तो गाइस वहाँ से बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था वो जो वहाँ दिख रहा है ना वो वाला कैफ़े, मैं उससे देख रहा था, वहाँ से नहीं मिला। एक से देखना यहाँ से लेकिन ये तो बंद है, तो मैं यहाँ पे मैं नीचे आ गया हूँ, इधर एक मैं इसमें लगा दिया हूँ टाइम लैप्स के लिए। सनराइज तो हो गया लेकिन अभी तक ये खुला नहीं है, तो इसका बाइनोकुलर का ऑप्शन शायद लगता है मुझे स्किप करना पड़ेगा। बाकी सच में ये मसूरी का टॉप लोकेशन है और टॉप के साथ साथ लास्ट लोकेशन है, क्योंकि देखिए इसके बाद ना जैसे इधर तक तो शहर पूरा दिख रहा है और ये एक पहाड़ पर ये लाल टिब्बा का छोटा सा बिल्डिंग, इसके बाद पूरा खाई। बाकी एक चीज़ पता है आपको, वो जो जॉर्ज एवरेस्ट था ना, मतलब ये जो है जॉर्ज एवरेस्ट है और ये जो छोटा सा पॉइंट दिख रहा है ये है बुद्धा टेम्पल, यहाँ पे हमको जाना है। तो गाइस ये वाला तो ओपन नहीं होने वाला अभी, मुझे कुछ लोकल से पता चला कि ये 10:30 बजे ओपन होगा, तो यहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि कहीं और चलते हैं। चलिए बताते हैं कोई और लोकेशन। एंड सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाया केदारनाथ का व्यू, मतलब केदारनाथ वाला जो हिमालय वगैरह है, अगर मौका मिलेगा तो शाम तक आएंगे या फिर पता नहीं आएंगे या नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन अभी ये नहीं खुलने वाला ये लाल टिब्बा, बोला गया है 10 बजे के बाद खुलेगा और अभी बजा है लगभग 7:30, रुक के कोई फ़ायदा नहीं है, चलते हैं। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मसूरी। अभी बज रहे हैं 2:00 PM और मेरा प्लान है यहाँ पे एक दो जगह और एक्सप्लोर करने का, जो मैं सुना हूँ अभी जस्ट, मैं सर्च किया और कुछ लोगों से भी सुना था, फिलहाल अभी निकलते हैं। चलिए वाटरफॉल किधर है? अच्छा इधर रोप वे का रास्ता है गाइस और बाकी आगे है बाय रोड, मतलब इधर जाना पड़ेगा वाटरफॉल। अब यहाँ से कम्प्लीटली नीचे आना होगा, एकदम पूरा झुका होगा नीचे की तरफ।
ये डाउन हिल होगा पूरा का पूरा। पता है जब भी जाते हैं ना हम डाउन हिल, तब तक मुझे फील होता है ना कि जा तो रहे हैं एकदम नीचे तक, वापस कैसे आएंगे। आई थिंक वही जगह है, यहाँ पे पुल बना हुआ है साइड से, वाटर पुल बना हुआ है। और देखिए वाटरफॉल दिख भी रहा है कहीं ना कहीं, एकदम छोटा सा वहाँ पे। अरे 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 नीचे बाइक नीचे खींच रहा है, बाइक कह रहा है कि मत रुको चलते रहो। चलिए अच्छा गाइस। देखिए वो ऊपर में रोपवे वाला वायर गया हुआ है, तो अगर रोपवे से आते तो उधर से आना पड़ता, ऊपर से आना एंड देन फिर इधर आके लैंड करना होता। बट अपने पास बाइक है तो बाइक इज़ द बेस्ट। काफ़ी ग्रीनरी है एज यू नो, लाइक फॉल के पास काफ़ी ग्रीनरी होता है, बहुत ही ओपन लोकेशन है और पूरा लाइक एकदम कम्प्लीट वैली है, मतलब चारों तरफ से पहाड़ है इधर। बाकी मैं तो एक्साइटेड हूँ वही फॉल देखने के लिए, काफ़ी मज़ा आता है मुझे देख के ये सब चीज़। चेक दिस आउट, ये फॉल का लोकेशन आ गया है और कहीं ना कहीं देखिए इधर से पूरा। ओहो भाई ये सही बना हुआ है यार, ये चीज़ देखिए। जिस लोकेशन में मैं हूँ ना अभी वो काफ़ी खास लोकेशन है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ बैठ के। मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ बैठा हूँ। देखा अभी वो ये ना देखिए ऊपर वहाँ पे, तो अगर वहाँ पे जाएगा तो कितना मज़ा आएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कहीं से ऊपर जाने का रास्ता, लाइक यहाँ कहीं से ऊपर जाने का रास्ता होगा इधर से यहाँ यहाँ यहाँ, तो मैं कोशिश करता हूँ जाने का, अगर जा पाए तो बहुत मज़ा आएगा। चलिए पहले ऊपर चलते हैं। ऊपर आ गए और ऊपर तो देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है एकदम पूरा नॉर्मल सा, लेकिन लेकिन यहाँ देखिए गाइस ऊपर तक देख लिए, बस यहाँ तक ही है, इसके आगे और कुछ नहीं है। तो अब चलते हैं नीचे पानी में उतरने का कोशिश करते हैं जूता वगैरह खोल के। यहाँ पर ना गाइस पूरा पानी का फुहारा आ रहा है फेस पे। जा रहे थे मुझे याद आ गया एक चीज़ और, एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में सोचा था यहाँ बैठने का इस जगह पे, लेकिन बैठ नहीं पाया था, तो मैं सोचता हूँ कि अब बैठा जाए क्योंकि यहाँ बैठे कुछ ना कुछ पैर मस्त लोकेशन है, यहाँ बैठे कुछ चाय वाय पीते हैं थोड़ा सा। परंतु बैठने से पहले जूता खोलना पड़ेगा। ओहो अरे भाई पानी तो खूब ठंडा है, देखिए पूरा पानी आ रहा है मस्त जगह। चाय लोकेशन लाइक दिस, कितना सुंदर जगह है, मस्त से बैठ के चाय पियो। वाह भैया आ गए चाय लेकर।
थैंक यू भैया। टेस्टी चाय है। तो गाइज एक बहुत सा मस्त चीज मिला, ATV। चलिए ATV ट्राई करते हैं, लाइफ में फर्स्ट टाइम। गाइस बहुत मज़ा आया वो करके और बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है अब, और पहले चलते हैं ऊपर और ऊपर चलने के बाद डिसाइड करेंगे करना क्या है। भगवान जी का मंदिर और इधर वैली, ये जितना छोटा दिख रहा है ना कैमरा में इतना ही नहीं, और ये एक पैनोरामिक व्यू बहुत सुंदर आ रहा है, बहुत सुंदर। मैं आपको इसका टाइमलेस देता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मसूरी। अभी मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए बुद्धा टेम्पल, तो चलते हैं देखते हैं बुद्धा टेम्पल कैसा लोकेशन है, और आस पास में अगर कुछ होगा तो वो भी दिखाएंगे आपको, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा है रूम में बैठे बैठे, अभी बज गए दोपहर के, बस फिलहाल अभी निकलते हैं। तो गाइस यहाँ से अभी 38 मिनट का रास्ता है और ये डिस्टेंस है लगभग 17 किलोमीटर। तो गाइस पहुंचने वाले हैं बुद्धा टेम्पल, फिर अपनी बाइक पार्क हो गई, चलते घूमते हैं बुद्धा टेम्पल में। तो गाइस फिर से एक ट्रैकिंग, आई थिंक ज़्यादा बड़ा नहीं होगा यार, यहाँ लोकेशन काफ़ी सुंदर है नो डाउट, लेकिन दिक्कत है ना कि यहाँ ट्रैकिंग बहुत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। अब देखिए पता नहीं कितना ऊपर जाना है। तो गाइस रीचिंग एट द टॉप, हो फिर से हालत ख़राब हो गया यार, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल नहीं सोचे थे कि ऐसा फिर जाना पड़ेगा। वो जो पूरा ढक गया है ना बादल से, वही है जॉर्ज एवरेस्ट। फाइनली आ गए ऊपर, और यहाँ पे मस्त सा एक बहुत ही अच्छा सा बुद्धा का स्टैचू बना हुआ है, ये जितना छोटा दिख रहा है ना कैमरा में इतना ही नहीं, एक काफी बड़ा है। सेम लोकेशन है एक जॉर्ज एवरेस्ट जैसा, मीन सेम एक बना हुआ है पीक, और पीक के बाद लाइक इधर माउंटेन्स वगैरह जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, एज यूजुअल सेम लोकेशन है। और मुझे कहीं से तो यहाँ भी दिखा था हिमालय, तो आई थिंक उधर हिमालय है, इधर भी दिख रहा है, और यहाँ से बस इस तरफ ही कहीं जॉर्ज एवरेस्ट था, जो कि अब पूरा बादल में ढक चुका है। और बादल का कंडीशन कुछ ऐसा है ना, इतना फास्ट चल रहा है, इट लुक्स लाइक कि टाइम लैप्स चल रहा है ऑलरेडी। और ये एक पैनोरामिक व्यू बहुत सुंदर आ रहा है, बहुत सुंदर, मैं आपको इसका टाइम लैप्स देता हूँ। नीचे में भी कुछ बना हुआ है, आई थिंक कोई स्टेडियम टाइप बना हुआ है, ये कोई प्राइवेट एरिया है कम्प्लीटली। गाइज अब बस चलते हैं वापस, अच्छे से घूम लिया जो भी था मैं आपको दिखा दिया, लोकेशन काफ़ी अच्छा है बट धूप बहुत ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। नीचे बाइक के पास, अब बाइक लेते हैं और निकलते हैं। चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं। टेंपल के बाद मैं इधर ही बस जा रहा था और अचानक से मुझे कुछ दिखा, कंपनी गार्डन करके लिखा हुआ था, तो चलते हैं वहाँ भी देख लेते हैं कैसा जगह है। अब जा ही रहे हैं तो उधर से भी होते गुजर जाते हैं थोड़ा।
कंपनी गार्डन ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं शायद। हाँ भाई, आप यहाँ के लोकल हो? ये गार्डन कहाँ पे है? इधर है ये कंपनी गार्डन। ये कितने? 20 रुपया। तो गए एंटर कर गए कंपनी गार्डन में। ये भी लाइक नॉर्मल सा लोकेशन है, काफी ठीक ठाक दिख रहा है, डिसेंट सा बना हुआ है, मैनेजमेंट काफी अच्छा है लगता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से गार्डन को। पे क्रिएटिव हाथी दिखा है आपको, अगर समझ में आता है तो बताइए। ये देखिए हाथी का आंख है, ये उसका दांत है और ये कान है। यहाँ पर ना मुझे एक मस्त सा कार दिखा है, इस कार में ड्राइव करने में बहुत मजा आएगा, ये देखिए। तो गाइस घूम क्यों गया यहाँ पे, अब चलते हैं बाहर और अब करते हैं एक्सप्लोर बाहर का कुछ लोकेशन। गाइस निकल गए इस जगह से। नीचे की तरफ डाउन हिल मंदिर है, अप हिल में। गाइस बाइक पार्क हो गया इधर ऐसे ही यहीं पे। एक्चुअली बाइक लेके आना नहीं था, ऊपर नीचे तक ही रखना था। अब चलते हैं ऊपर, यहीं पे पार्क करके छोड़ दिए हैं। वो 300-400 मीटर का ट्रैक है, हो जाएगा। बस थोड़ा सा और पहुंच गए, ऊपर मंदिर है यहाँ पे, तो पहुंच गए। ये काफ़ी एकदम शांत लोकेशन है और काफ़ी अच्छा लोकेशन है। और ये हुआ मंदिर का व्यू, पीछे है भगवान जी का मंदिर और इधर वैली। मसूरी में ना पहाड़ जितना सुंदर है ना, उससे ज़्यादा सुंदर वैली है यहाँ का। लेकिन दिक्कत की बात पता है क्या है, कैमरा इस वैली को एकदम प्लेन दिखाता है, ऑलमोस्ट प्लेन। पहले चलते हैं ऊपर, भगवान जी को पूजा करते हैं, उसके बाद दिखाएंगे आपको पूरा जगह अच्छे से। पूजा करके हो गया और मैं यहाँ पे कुछ देर से बैठा हुआ हूँ और यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है, बहुत सुंदर व्यू है। धीरे धीरे शाम होते जा रहा है। पता है मैं ना 3 दिन मसूरी में घूमा हूँ, 3 दिन मसूरी में मैं घूमा, यहाँ गया वहाँ गया, कहीं पहाड़ पे, कहीं ऊपर, कहीं नीचे। लेकिन जो सबसे सूदिंग और सबसे पीसफुल लोकेशन है ना, वो ये है। और सबसे ख़ास बात कि ये मेरा सबसे लास्ट लोकेशन था, इसके बाद मैं घर जाने वाला हूँ सीधा। मेरा चेकआउट हो चुका है, मुझे बस बैग लेना है वहाँ से और मुझे निकलना है। और कहते हैं ना एक बात, अंत भला तो सब भला। सो इस मंदिर में आने के बाद, यहाँ पूजा करने के बाद और यहाँ ये सब व्यूज़ को देखने के बाद, मेरे मन में बस एक ही चीज़ आ रहा है कि द बेस्ट थिंग आई हैव डन, यहाँ पे आएँ और इस व्यू को इन्जॉय किए, यहाँ भगवान जी का पूजा किए और मेरा अंत जो है वो भला रहा। तो आई थिंक सब भला रहा। यहाँ पर बैठ कर लगभग 10-15 मिनट हो गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी पीसफुल लोकेशन है। लेकिन शाम भी हो रहा है तो मुझे वापस जाना होगा, क्योंकि मुझे देहरादून वापस जाना है आज। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट स्टे हेल्दी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ गाइज बैठना पड़ गया, कितना ऊपर है भाई? और थोड़ा बड़ा है और